हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं कि मुझे आईफोन 11 के ऊपर iOS 18 मैंने इसके ऊपर इंस्टॉल कर लिया है। मुझे आईफोन 11 के ऊपर iOS 18 के कौन कौन सी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स देखने को मिलने वाली हैं, जो कि मैं आपको इस वीडियो में शेयर करने वाला हूं। अगर आप भी अपने दोस्तों अपने फ़ोन के ऊपर iOS 18 का अपडेट इंस्टॉल कर ले, तो आपको भी जो ये प्रॉब्लम जो है फेस होगी, या फिर आपको कोई और भी जो है प्रॉब्लम जो है फेस हो सकती हैं। सो वो प्रॉब्लम्स कौन सी हैं आपको बताता हूँ इस वीडियो में। काफ़ी सारे हमको बग्स भी देखने को मिल रहे हैं, एंड देन काफ़ी सारे हमारी जो है प्रॉब्लम्स जो है देखने को मिल रही हैं अपने आईफोन, मुझे आईफोन 11 के ऊपर। देन आपको iOS 18 में जो है बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिल जाएंगी। जितने फीचर्स हैं उतने ही प्रॉब्लम्स हैं, वो कौन सी हैं बताता हूँ इस वीडियो में। सबसे पहले आप देख सकते हो मेरे किस्म में, यहाँ पर अभी मेरा फ़ोन है वो दोस्तों 30% जो है अभी चार्जिंग है। मैंने इसको बहुत से आपको मैं दिखाता हूँ, अपनी बैटरी की तरफ लेकर चलता हूँ। इसको मैंने 3 से 4 घंटे मैंने इसको फ़ोन को चार्ज लगाई रखी है, लेकिन ये 30% से ऊपर गया ही नहीं। 1 से 2% ये दोस्तों नॉर्मली ऊपर चले जाता है, जब भी जैसे कि मैं नॉर्मली किसी भी परसेंट से मैं इसको फ़ोन को चार्ज लगा लूँ, 8 से 9% इसका फ़ोन चले जाएगा, लेकिन उसके आगे जो है जाएगा नहीं। आपको मैं दिखाता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर मुझे सुबह की जब मेरे केस में यहाँ पर बैटरी देर नहीं चली है। यहाँ पर आप देख सकते हो कितनी बार इसको मैंने चार्जिंग के ऊपर सेट किया, लेकिन ये उससे ऊपर जो है गया ही नहीं, जो कि एक मुझे जो है बहुत ज़्यादा बड़ा इशू देखने को मिला। आप देख सकते हो लास्ट में मैंने चार्ज किया 40%, अभी आप देख सकते हो 30% जो है मेरे केस में यहाँ पर हो चुका है। देन उससे पहले मैंने इसको जो है फुल चार्ज किया ही नहीं, क्योंकि ये दोस्तों चार्जिंग हो ही नहीं रहा। सेकंड नंबर पर आपको जब व्हाट्सएप में मुझे जब बग्स देखने को मिल रहा है, आपको दिखाता रहा हूँ। जब भी मैं अपने फ़ोन के ऊपर मैंने कोई भी चैट को ओपन किया था, तो मेरे किस्म यहाँ पर मुझे चैट ओपन देखने को मिले ही नहीं। जैसे कि नॉर्मली मैंने इस पर्सन को मैंने इसको चैट ओपन की, इसकी मुझे जहाँ शो नहीं हुई। देन मैंने सेकेंड नंबर पर देखने को मिली, तो वो भी मुझे शो नहीं हुई। ये हमको जो बहुत ज़्यादा बुरा मुझे जो बग्स देखने को मिला। और भी आपको व्हाट्सएप के रिलेटेड जो कोई भी प्रॉब्लम्स देखने को मिल जाएंगी मुझे, अगर आपको कौन सी प्रॉब्लम देखने को मिली वो भी आप मुझे बताना। देन उसके बाद हमारे जो डेली यूसेज में काम आने वाली एप्लीकेशन स्नैपचैट और इंस्टाग्राम, इसमें हमको जो है साउंड की प्रॉब्लम जो है बहुत ही ज़्यादा आ रही है। अगर हम म्यूट स्विच को भी दोस्तों टर्न ऑफ या फिर टर्न ऑन कर लेंगे, तब भी हमारे जो है साउंड जो है नहीं आएगी। कोई भी स्टोरी के साउंड ले लो या फिर कोई भी रील के साउंड ले लो, ये हमको जो है बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही हैं। देन चलते चलते मैंने अपना इंस्टाग्राम मैंने यूज़ करना था, चलते चलते बंद हो गया। देन मेरे केस में ये टर्न ऑन ही नहीं हो रहा था। 3 से 4 मिनट मैंने इसको फ़ोन को साइड में बड़ा रहने दिया, फिर जाकर मेरा जो है फ़ोन ऑन हुआ। देन ये भी प्रॉब्लम जो है बहुत बड़ी लगी। देन उसके बाद बैटरी ड्रेन का इशू है वो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा आ रहा है, जो कि आपको हर एक आईफोन के ऊपर देखने को मिलेगा ही मिलेगा। प्रॉब्लम्स आपको और भी देखने को मिल जाएंगी, काफ़ी सारे डिफरेंस हमको हर एक फ़ोन के ऊपर देखने को मिल जाएंगे, आईफोन 11 के ऊपर और आईफोन 12 के ऊपर और आईफोन 13 के ऊपर, लेकिन बैटरी ड्रेन का इशू है वो आपको सभी आईफोनों के देखने को मिलेगा। देन उसकी आप अगर आपको बैटरी हेल्थ दिखाऊं, मेरे केस में इसकी बैटरी हेल्थ है 287। मैंने अपने लैपटॉप के साथ इसको चेक किया, पहले मुझे 3U टूल के जो है बेस्ट इशू जो है आपको टूल है आपको देखने को लेना, आपको डाउनलोड कर लेना अपने लैपटॉप में या फिर अपने पीसी वगैरह में। वो दोस्तों काफ़ी सारा बेस्ट एप्लीकेशन है, उसमें कभी 83 दिखा देता था, कभी 86 दिखा देता था। देन बैटरी का मुझे इशू देखने को नहीं मिला, बैटरी इशू देखने को नहीं मिला, लेकिन मुझे बैटरी जो है वो दोस्तों रॉन्ग इशू देखने को मिल रहा है। देन उसके साथ में हीटिंग इशू भी इसका जो है बहुत ज़्यादा है, जो कि एक तरह से बहुत ही ज़्यादा जो फ़ोन को लैगिंग इशू में ले जाता है। फोन बहुत ही ज़्यादा लैगिंग एंड देन ऐप कैश काफ़ी सारे क्रैशिंग जो है करने लग जाती हैं। देन हीटिंग का जो है मेरा फ़ोन ऑन ही नहीं होता कभी कभार, मैं कितनी बार भी इसको जो है स्विच ऑन ऑफ या फिर ऑन ऑफ कर ही जाऊँ, तो वो दोस्तों 3 से 4, 5 से 6 सेकंड बाद जाकर फिर कमांड चुकेगा एक जो है कोई भी ऑन स्विच की। सो ये दोस्तों काफ़ी सारे हमको जो है प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही हैं अपने आईफोन के ऊपर। आपको कौन सी प्रॉब्लम देखने को मिली iOS 18 में, अगर तो आपने अपने फ़ोन के ऊपर iOS 18 नहीं इंस्टॉल किया, तो अभी मत करना, फीचर्स के चक्कर में अपना फ़ोन जो है बहुत ज़्यादा रिस्क में डालोगे। अगर आपके पास प्राइमरी या फिर सेकेंडरी डिवाइस है, मेरे केस में यहाँ पर मुझे जब प्राइमरी डिवाइस है, लेकिन मैं इसको तब भी वीडियोस के कारण मैंने इसको 18 का अपडेट इंस्टॉल किया है, नहीं तो मैं इसके ऊपर जाए इसको जो है iOS 18 के अपडेट के ऊपर नहीं इंस्टॉल करता, क्योंकि इसमें हमको जो है प्रॉब्लम्स जो है काफ़ी सारी फेस करनी पड़ रही है। सो अगर आपका प्राइमरी डिवाइस है, इसको इंस्टॉल मत करना फीचर्स के चक में। जब स्टेबल वर्जन आ जाएगा, रिव्यू किसी का देख लेना, देन फिर इंस्टॉल करना अपने आईफोन को, क्योंकि रिस्क में मत डालना। सो यही से आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। तो नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक सो मच।